वसीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ मैं एम ए जिना रोड पर। एम ए जिना रोड पर 5 फरवरी के हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया। उस रैली में एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ज़ेर क़यादत की रैली निकाली गई, लेकिन मेरे पीछे जो है क्योंकि यकीनन एडमिनिस्ट्रेटर कराची और जो दीगर अफसरान हैं वो तो यकीनन शाना बशाना हर जगह नज़र आया करते हैं, लेकिन ये वो मुलाजमीन हैं जो कि बिल्कुल पीछे रह कर जो इनकी जो है बैकबोन हुआ करते हैं, इनको दिखाने वाला इनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो आइए इन मुलाजमीन से बात भी करते हैं कि आया कि इस रैली में आज मौजूद हैं, कैसा लग रहा है। देखिए फायर ब्रिगेड के कुछ लोग खड़े हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। क्या करेंगे सर, कोई बात करेगा? देखिए अभी कोई बात करने के काबिल नहीं है, यकीनन इनको घबराहट भी होती है। आप लोग हैं, बात करेंगे कोई? तो फिलहाल यकीनन हमें चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं डॉक्टर सैफुर रहमान वो क्या कहते हैं, उसके साथ साथ जो दीगर अफसरान हैं उनसे बात करेंगे। आइए। हर साल पाकिस्तान में 5 फरवरी के हवाले से ये योम कश्मीर के हवाले से जो रैली मनाई जाती है उसके लिए हम इसलिए कि हम कश्मीरियों के उनके हक़ के खुद इरादत के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और लम्हा लम्हा जो जिस शिकायत और जिस अजियत में वो लोग दुचार हैं हम उनके साथ खड़े हैं और उनके भरपूर तावन के हमारा उनके साथ है। कश्मीर का मसला एक बहुत पुराना मसला जहाँ पर भारत जुल्म सितम ढा रहा है और ये मसला जो है कश्मीर का जो अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद है उसके तहत हल होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है और हमें कश्मीरियों के साथ यकजहती करनी चाहिए। कश्मीर के मसले को अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से जल्द अज जल्द हल किया जाए और 5 अगस्त 2019 को जो करारदाद इंडियन गवर्नमेंट ने पास की थी उसको वापस किया। आज का दिन हम कश्मीरियों के साथ मना रहे हैं और इंशाल्लाह आज के दिन के मुनासबत से जो कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान दिल है तो कश्मीर हमारी शहरग है, तो आज का ये हमारा नारा है और हम ये बिल्कुल ये दिन मनाया जाए ताकि हम लोग एक्टिव हो जाएं क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने राइट्स को अपने, इसलिए लोग बकौल के कौम एक तरह से सो जाती है। तो ये दिन बनाने का मकसद ही यही है कि आप इसमें ज़रा एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करें और पूरी कौम को जगा के रखें अपने राइट्स के लिए और ये कश्मीर को इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान का अटूट अंग कहा गया है तो ये अटूट अंग बन के रहेगा इंशाल्लाह। इस सिलसिले में ये है कि जो एफर्ट जारी हैं सब जगह पर तो ज़ाहिर एफर्ट्स तो इसलिए हैं कि जो कश्मीर के लिए हम जिस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं वह आज़ाद हो जाए और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी इज्तिमाई कोशिशें जारी रहीं तो वह वक्त दूर नहीं कि जब इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद हो जाए। कश्मीरियों के साथ है, उनके दुख में बराबर का शरीक है और इसका तमाम चीज़ों का हल ये है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें, कराची को मजबूत करें, कराची को उसकी जो रानाइयाँ हैं उसको दोबारा बेहतर करें। जब हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर का भी जो केस है वो बहुत मजबूत होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बहुत एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस में और जितनी भी आलमी इदारे की तंजीम है जहाँ पर इसकी आवाज़ उमदा में पकाएं और जी भर के खाएं।